साथियों, अतीत में हमारे भारत पर कितने ही हमले हुए हैं। सैकड़ों साल की गुलामी में ये देश जकड़ा गया, प्राकृतिक आपदाएं आई, चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, लेकिन भगवान विट्ठल देव में हमारी आस्था, हमारी दिंडी वैसे ही अनवरत चलती रही। आज भी ये यात्रा दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जन यात्राओं के रूप में, पीपल मूवमेंट के रूप में देखी जाती है। आषाढ़ एकादशी पर पंढरपुर यात्रा का विहंगम दृश्य कौन भूल सकता है। हजारों लाखों श्रद्धालु बस खींचे चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, हर तरफ रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, पुंडलिक वरदे हरि विठ्ठल और ज्ञानवा तुकाराम, इसका जयघोष होता है। पूरे 21 दिन तक एक अनोखा अनुशासन, एक असाधारण संयम देखने को मिलता है। ये यात्राएं अलग अलग पालखी मार्गों से चलती हैं, लेकिन सबका गंतव्य एक ही होता है। ये भारत की उस शाश्वत शिक्षा का प्रतीक है जो हमारी आस्था को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है, जो हमें सिखाती है कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पद्धतियां और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होता है। अंत में सभी पंथ भागवत पंथ ही है, और इसलिए हमारे यहां तो बड़े विश्वास के साथ शास्त्रों में कहा गया है, एकम सत विप्राः बहुधा वदन्ति।